ओके, सो दिस इज लेक्चर फोर्थ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने? हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कोसेंट्रिक शेल्स, है ना? यस हमने मैम। कोसेंट्रिक शेल्स देखी थी, हमने देखा था अर्थिंग पढ़ी थी बेसिकली, और एक हमने देखा था चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट? यस मैम। और आपने पोटेंशियल निकालना सीखा था कंडक्टिंग शेल्स का। आज हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऑलरेडी एक बार इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जब हमने डाइपोल की इक्विटोरियल लाइन पर एक पॉइंट निकाला था जहां डाइपोल की वजह से पोटेंशियल जीरो था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर अगर हम एक प्लेन कंसिडर करेंगे तो उस प्लेन पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो होगा, और जिन भी प्लेन या सरफेसेस पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इतना सा इंट्रोडक्शन हमारा प्रीवियस क्लासेस में हो चुका है, राइट? आज हम थोड़ा सा उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा, आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। तो ये हमारे सीक्वेंस रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हम शायद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े, ठीक है? और हो सकता है उसके एंड में कैपेसिटर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। बाकी अगर मैं बात करूं आपसे टेस्ट की सिलेबस की, तो इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें सिलेबस है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है? तो अप टू दिस टॉपिक आपका आने वाला है पेपर में, तो तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम शुरू करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो, ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड्स अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है, एक है इक्वल और एक है पोटेंशियल, राइट? यानी कि ऐसा प्लेन, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल वो बिल्कुल सेम, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. अब एक केस अज्यूम करते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ज कंसिडर किया, लेट्स से प्लस क्यू, ठीक है? एक बात बताओ, अगर मैं इस क्यू से आर डिस्टेंस का एक सर्कल को रखी है, ओके, मैंने स्पेस में एक चार्ज अज्यूम किया है क्यू, उससे मैं स्मॉल आर डिस्टेंस की रेडियस पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। एक मिनट, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ किया। आपको एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल पता था ना, के क्यू बाय स्मॉल आर होता है। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करूं वन, एक पॉइंट ये हो गया टू, दिस इज सम पॉइंट थर्ड फोर्थ, ठीक है, एंड लेट्स से फिफ्थ, क्या ये सारे पॉइंट्स इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर नहीं होंगे? यस यस मैम। चार्ज सेम, के सेम, आर सेम, तो क्या वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री इज इक्वल टू वी फोर इज इक्वल टू वी फाइव, ये सब चीजें नहीं होंगी क्या? नहीं, मतलब ओके, पॉइंट्स भी नहीं दिखे आपको? मैम दिख रहे हैं मैम, पोटेंशियल सेम होगा, है ना? पोटेंशियल सेम होगा। मैम एक बार दोबारा बोल दीजिए, स्क्रीन स्टक हो गई। क्यू जो चार्ज है उससे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा के क्यू बाय आर, के भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट और आर भी कांस्टेंट, तीनों चीज कांस्टेंट। अब अगर तीनों चीज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल सेम होगा ना, इफ डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम द चार्ज। यस मैम। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा बोल सकते हो कि आर डिस्टेंस दूर जो सर्कल है, जो स्फीयर है, बेसिकली थ्री डी फिगर है, उसका हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल लेकर घूम रहा है, यानी कि दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सुन लो। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बात कह सकते हैं, वो बात हम कहाँ कहेंगे, एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं बोल देते हैं कि कोसेंट्रिक स्फीयर्स
ठीक है, कोसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एट सेंटर ठीक है आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और पॉइंट चार्ज। मैम ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिए। ओके, देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है ना, V is equals to KQ by R। मैंने आपसे कहा कि आप सेंटर पे चार्ज रखो और उससे R डिस्टेंस दूर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लो, बेसिकली इट्स अ स्फीयर क्योंकि 3D की बात हो रही है। तो अभी जो स्फीयर है इसका हर एक पॉइंट R डिस्टेंस दूर है ना सेंटर से, तो यानी कि R भी सेम, K भी सेम, Q भी सेम, तो उस स्फीयर पे पड़ने वाले हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम। बोलो। यस मैम। बस दो ही चीज बोली, यही तो डेफिनेशन है, अगर पोटेंशियल सेम तो वो पॉइंट क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। कूल, ओके मैम। अब सोचो मैम, अगर आई हैव अ लीनियर चार्ज। हाँ बेटा। मैम जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा तो उसका जो एंगल होगा तो वो 90 डिग्री होगा ना हमेशा। किसके किसके 90 डिग्री? मैम इक्वी पोटेंशियल सरफेस का परपेंडिकुलर जब उसका एंगल होगा तो वो 90 डिग्री होगा ना। एंगल लाइक एंगल किससे? एंगल में दो चीजें होती है ना, किसके बीच में एंगल? मैम जो सरफेस है और जो उसकी फील्ड जाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर उसकी बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर सकते हैं ना लीनियर चार्ज के लिए। याद हो तो लीनियर चार्ज के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था 2k लैम्डा बाय r, है ना, निकाला था ये? यस मैम। देखो आप इस दूर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल भी से, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कोसेंट्रिक सिलेंडर्स with linear charge as the axis of cylinder, ये जो linear charge जो बना हुआ है वो cylinder की axis है ना। मैम बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। यस मैम, बच्चे मैसेज कर रहे हैं कुछ। मैम थर्सडे को हमारी भी नहीं हो रही थी। आई केम टू नो अबाउट दैट। ठीक है, इतने एक मिनट रुको, मैं वाली चीज नोट कर देती हूँ, फिर आप उसको नोट कर लेना। कोसेंट्रिक सिलेंडर्स विद लीनियर चार्ज एज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर ठीक है आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर लीनियर चार्ज। जिस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोसेंट्रिक स्फीयर्स थे, सिमिलरली लीनियर चार्ज के लिए कोसेंट्रिक सिलेंडर्स आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इज दैट ओके? आपको अगर ये चीज नोट करनी है तो प्लीज नोट कर लो, एंड देन लेट मी नो कि आपने नोट कर लिया। देखो बच्चे तो ज्वाइन हो रहे हैं। मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, नीचे वाली, ये वाला नोट कर लिया, ये वाला पॉइंट जरूर नोट कर लेना, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। मैम एक मिनट नोट करने दो। मैम एक और सर्कल वाला भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वो किसके लिए होता है? पॉइंट चार्ज के लिए बेटा। ओके मैम। ओके, एक बारी मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करती हूँ, शायद बच्चे ज्वाइन कर पाए उस बार। ठीक है, तो आप इतने इसको नोट कर लो, ये जाएगी नहीं। मैम वैसे मैंने ग्रुप में लिंक भेज दिया। यस मैम। तो एक बारी पूछ लो कि दे आर एबल टू जॉइन और नॉट। स्टिल एट द पॉइंट। ओके मैम। मैम मैंने आपको मैसेज करा था कि वो भेज, मेरे को ऐड कर दो ग्रुप में। मैम आप ऐड ही हो? नो मैम, मैंने काफी टाइम पहले कर रखा है। ओके, अभी ना इन द एंड एक बार साक्षी को याद दिला देना, साक्षी आपको लिंक भेज देगी। मैम मैं भी नहीं हूं ऐड। ओके ठीक है, आप लोग वेट करना, साक्षी विल सेंड यू द लिंक। साक्षी भेज दोगे बेटा? यस मैम, मैं अभी कर देती हूं सेंड। मैम मेरा ये है ना, मैंने लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है तो वो उससे हो नहीं रहा है मेरा ज्वाइन ग्रुप, इसलिए मैंने आपको बोला था कि ओके 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 ओके
मैम लिंक सेंड कर दिया ग्रुप में, सॉरी मैम यहाँ पे चैट बॉक्स में। ओके साक्षी कर दिया, थैंक यू साक्षी। साक्षी मैं अपना नंबर लिख दूँ तो मुझे ऐड कर दो, वो ऐड नहीं कर पाएगी उसमें। ठीक है साक्षी मैं अपॉइंटमेंट बना देती हूँ, ठीक है तुम कर देना ऐड। ओके मैम। अब देखो अब बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज की। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि भाई अगर उस सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी वो है। सेकंड प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी है कि आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा चार्ज को मूव कराने के लिए किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। अब देखो उसकी मैं एक एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको, आप समझना। सपोज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, ये कोई पॉइंट है ए, यहां से मैंने चार्ज मूव कराया किसी पॉइंट बी पर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो तो वो वी बी माइनस बी ए लिखा जाएगा ना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज। लेट्स से आप क्यू चार्ज लेके घूम रहे हो, यही होता है। अब अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे दो पॉइंट है तो इट इज सपोज टू बी जीरो ना, इफ दिस इज जीरो देन एक्सटर्नल वर्क इज जीरो। बेटा मैम ये दोबारा बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा। ओके आप ये देखो, आप ये देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने दो पॉइंट कंसीडर करे ए से बी, हम चार्ज को क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उठा के रख कर आ रहे हैं, ठीक समझ में आया। ओके अब देखो, अब हमने क्या करा, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये तो होती है वीवी माइनस वी इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज। यस मैम। ठीक है, जब आपने डेफिनेशन लिखी और आपने मुझे बोला कि मैम ये जो दो पॉइंट्स हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हैं, तो एक बार बताओ इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना। मैम 0। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 0 लिखा, अब आप चार्ज की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो आएगा। यस मैम। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट 0 हो गया ना। Yes, ma'am. ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि work done by external agent is equals to work done by conservative force if change in kinetic energy is zero. अगर change in kinetic energy zero है, उस केस में work done by external agent is equals to minus work done by conservative force. पढ़ा था ना हमने? Yes, ma'am. और conservative force क्या है? Electric force ही तो है। देखो स्टेटमेंट यही तो कह रहा है आपसे कि किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं होता एक चार्ज को मूव कराने के लिए, वही हमने प्रूफ कर दिया। ये सुनो। यस मैम, मैम आ गया समझ में, थैंक यू। वेलकम बच्चे, अब इसको आप नोट कर लो एक बार, कर लो तो मुझे बता देना, ठीक है इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैम एक बार बता दो, मेरा लीव हो गया था। ओके ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उसमें आप पॉइंट ए से उठ के पॉइंट बी पर आ रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स को बेसिकली कोई काम नहीं करना, ये एक प्रॉपर्टी है। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि तुम देखो तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे क्यू चार्ज लेकर घूम रहे हो, पोटेंशियल कैसे लिखोगे इनके बीच का, वी बी माइनस वी ए लिखोगे ना पोटेंशियल डिफरेंस। यस मैम, फाइनल माइनस बाय डेफिनेशन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज। अब देखो जब दोनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के तो आपको पता है कि उनके बीच का डिफरेंस जीरो होगा। यस मैम। यस मैम, मैंने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रख दिया, वर्क एक्सटर्नल जीरो आ गया। अब आपको पता है अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क कंजर्वेटिव फोर्स आता है। तो बेटा वर्क कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से भी तो जीरो हो गया, और देखो वही आपका स्टेटमेंट बोल रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स है, कि इलेक्ट्रिक फोर्स में कुछ काम नहीं करना चार्ज मूव कराने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, वही तो बोल रहे हैं राइट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की, जस्ट गिव मी अ मिनट। दूसरी प्रॉपर्टी हमसे वो बात कह रही है
जो भी किसी ने पूछा था, किसी ने मुझसे परपेंडिकुलर वाली चीज पूछी थी ना, किसने पूछा था? यस मैम, किसने पूछा था? तो वही है सेकंड प्रॉपर्टी भी। यस मैम। देखो हमें बताया गया है सेकंड प्रॉपर्टी में कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक बात बताओ, मैंने आपको एक पॉइंट पे ये फॉर्मूला बताया था जब मैंने ई और डी आर इनके बीच में रिलेशन क्रिएट कराया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, हमने ये बात पढ़ी थी। अब एक बात बताओ, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा ना? यस मैम। और आपको ये चीज पता है कि किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये तो हो गया इस चीज का एक्सप्लेनेशन। अब एक बार मैं आपको जो अब तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बताती हूँ। देखो हमने ये तो पढ़ा कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इस तरह के सरफेसेस होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, है ना? पढ़ा था ना? एक मिनट। यस मैम पढ़ा था। एक थोड़ा घूम नहीं पा रहा है तो समझ जाओ, ठीक है? बंद हो रहा है। अभी जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी जाएगी ना? यस मैम। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के? यस मैम। है ना? यस मैम। हर जगह पे। अच्छा चलो, एक चीज तो हमें ये समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? अब एक बात मुझे बताओ, ये माइनस डी आर वाला सब चालू। एक बात देखो इलेक्ट्रिक एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 100 वोल्ट मानू तो यहाँ 80 वोल्ट कंसिडर कर लू, यहाँ 60 वोल्ट कंसिडर कर लू, ठीक है? इज दैट ओके? 180 सर। अब एक बात बताओ, अगर पोटेंशियल कम होगा तो आर बढ़ेगा ना? तो इसलिए आप देखो, यूजुअली ना आप अगर कोई डायग्राम देखोगे तो ये स्पेसिंग जो है ना ये यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे ये स्पेसिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो वो मैंने बनाने की कोशिश की थी, बट आप समझ जाओ। अभी आप डायग्राम देखना, वैसे बहुत लाइक बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट एक बात है, ठीक है? तो कुल मिला के मेरा एक पॉइंट था कि भाई आपको ये चीज पता हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, तो वो चीज हमको समझ में आ गई। मैं जी हमारा एक्सप्लेनेशन निकला है तो मम्मी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना पोटेंशियल? हां देखो ये तो है ना, v = k q / r। यस मैम। बस तब आर ध्यान रखना, आर क्या था? दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, राइट? जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस, अगर आप यहां से यहां मूव करा रहे हो, आगे से आगे मूव करा तो और ज्यादा आ जाएगा, ठीक? यस मैम। ये चीज नोट कर लो एक बारी, हो जाए तो प्लीज मुझे बताना। मैम एक बार पिछली बार मैम कर दिए। ओके यस मैम, नोट कर ली। मैम आपने फिजिक्स का पेपर दिखा दिया मैम? हाँ बेटा। मैम आपने फिजिक्स का पेपर दिखा दिया? कौन सा? मैम नीट का कल एग्जाम हुआ था। ना, नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं दिखाया। ओके मैम। अब देखो
थर्ड पॉइंट है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. लेट्स सी हाउ या व्हाई. सोचो एक के अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे. किसके अलग डायरेक्शंस हो जाएंगे बेटा? हमें लेक्चर में अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो देखो. हाँ चलो एक प्लेन ये मल्टीपल हो जाएंगे. ठीक है एक प्लेन हमारे पास ये आ गया. एक प्लेन आप इसके परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो राइट. समथिंग लाइक दिस. मैंने कहा आपसे कि चलो भाई हमारे जो प्लेन्स हैं ये कर रहे हैं इंटरसेक्ट. ठीक है एक बात बताओ अभी अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके परपेंडिकुलरली आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी. अब सोचो ये वाला पॉइंट है जो ब्लैक वाले प्लेन पे भी लाई कर रहा है और ऑरेंज वाले प्लेन पे भी लाई कर रहा है. अगर मैं ब्लैक वाले पॉइंट के प्लेन के हिसाब से देखूं तो इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ना परपेंडिकुलरली राइट. और अगर मैं ऑरेंज वाले के हिसाब से देखूं तो ऐसे जाएगा. यस मैम. यस मैम. अब देखो एक पॉइंट पे यानी कि एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या ये पॉसिबल है? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जहां बताया था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते क्योंकि इनकी दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे हो जाएगी जो कभी नहीं हो सकती. यही प्रॉपर्टी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की. यस मैम. यस मैम. ये दो डायरेक्शन शो करें. हाँ अगर ये ऐसा कर जाते हैं तो अदरवाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मैम दिस इज नॉट पॉसिबल. मैम हमने वैसे ये लिक्विड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था. मैम हमने स्ट्रीमलाइन उसमें पढ़ा था कि हमारे दो स्ट्रीम्स भी इंटरसेक्ट नहीं करती. और मैम मैंने बटे में भी पढ़ा था. आई लाइक इट व्हेन यू कनेक्ट द थिंग्स. हां जी बेटा. मैम अगर ये बाय चांस इंटरसेक्ट हो गई तो फिर क्या होगा इसमें? नहीं बेटा वो हो ही नहीं सकती. देखो लिखा हुआ है ना कैन नेवर. हो ही नहीं सकता. ठीक है दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. ओके मैम. इसकी प्रॉपर्टीज है मैम. इस पॉइंट का सीधा सीधा मतलब ये है ना कि जैसे सपोज करो कि मैम एक इंसान है वो एक इंसान दो जगह पे हो ही नहीं सकता. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हाँ वैसे आप समझ सकते हो लेमन लैंग्वेज में बट फिजिक्स अलग है ना. वो तो एक ऐसा तरीका होगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह ना पता हो. हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हो? मैम हो सकता है अगर वो जुड़वा हो तब भी वो इंसान नहीं होगा ना. मैम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग उसमें जाएगी तो मैम उसमें कोई चार्ज आएगा क्या? क्या बेटा? मैम जैसे एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड दो लाइन मतलब दो उसमें जा रही है डिवाइड हो रही है फर्दर तो मैम इसमें मतलब कोई चार्ज आएगा? समझ ही नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो. मैम मैं कह रही हूँ कि जैसे एक पॉइंट है ना यहाँ पे तो मैम यहाँ से दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है एक ऊपर एक इधर साइड में निकल. यही तो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है. ये फिर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई ना. यस मैम वही पूछ रही हूँ. हाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. एक बात बताओ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है समझ में आता है ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वली पैरेलली स्पेस्ड हो स्पेस में राइट सेम डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक हाँ कांस्टेंट हो काइंड ऑफ लाइक दिस. ठीक है तुम्हारे गंदा बनाया आप समझ जाओ कांस्टेंट है तो बताओ उस पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या मतलब कैसे दिखेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? ये वाला नोट करना है ये वाला इससे ऊपर. मैम ये वाला हो गया. मैम एक बार इससे ऊपर करके दिखा दो. मैम इससे ऊपर इससे भी ऊपर. यस मैम. मैम बस मुझे बता देना कब चेंज कर लेंगे. ओके मैम ये वाइट बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है. यस मैम आप वाइट पे पढ़ाया करो बहुत अच्छा है ये.
थैंक यू दैट्स गुड। आई बस एक एक बैकग्राउंड और रह गया टेस्ट करने के लिए, ठीक है कल उस पे पढ़ाएंगे और फिर तुम्हें जो पसंद आएगा वो वाला कंटिन्यू करते हैं। मैम वो कौन सा है? आई विल ट्राई टू यूज क्रेश थोड़ा सा। मैम बस यही ठीक है वाइट तो। यस मैम यही ठीक है। अच्छा वो वाला पसंद नहीं आएगा, एक बार ट्राई कर लो। मैम हो गए ओके मैम ठीक है अभी वाला लिख लो आराम से ठीक है देन लेट मी नो। मैम एक बार आप लीनियर चार समझा दीजिए दोबारा। क्या बेटा? मैम एक बार आप लीनियर चार्ज बता दीजिए, जो आपने लाइंस लिखी थी ना वो बता दीजिए। अच्छा कि वो कोसेंट्रिक सिलेंडर्स होंगे? यस मैम। मैम हो गया। देखो ऐसे समझो, आपने गॉसियन सरफेस वाला लेक्चर देखा है? यस मैम। ठीक है तो आपको पता होगा कि गॉसियन सरफेस में भी हमने एक जब हमें इस तरह से लाइन दिखती थी तो हम इसी तरीके का इक्विपोटेंशियल वो सॉरी गॉसियन सरफेस बनाया करते थे। उसका सिर्फ कारण ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे जो है बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकलती है, वो सारी तरफ से बराबर निकलती है। ठीक है अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको ये पढ़ाया था लीनियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता है राइट? तो एक सिलेंड्रिकल ही तो शेप है ना जहाँ पे हम वाली चीज कंसिडर कर सकते हैं, तो जो यूनिफॉर्म भी हो चार्ज के सब चीजें वेरीफाई कर रही हो, तो इसीलिए हमने बोला कि कोसेंट्रिक सिलेंडर्स। आप ऐसे एक और सिलेंडर बना लो अगर मुझसे अच्छे से बन पाया, समथिंग लाइक दिस। एक मिनट रुको, देखो ऐसा ना आप एक और सिलेंडर ऐसे ड्रॉ कर लो तो वो सेम एक्सिस पे हो गए ना, तो कोसेंट्रिक सिलेंडर्स हो गए, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा इस सिस्टम का। ठीक चलिए हाँ अब मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाया था। मैंने आपको चार न्यू टर्म्स इंट्रोड्यूस कराया था, एक थी पोटेंशियल, एक था पोटेंशियल डिफरेंस, एक था हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी और एक था बेटा हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद है? यस मैम। मैम आपने बताया था कि इनमें से कोई दो मैम डिफाइन कर जा सकते हैं। अब देखो इन दो सिस्टम्स में से पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये दो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती राइट? ये फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में हमारे पास डेफिनेशन जो है इन चीजों की है, ठीक है? बताया था ये वाली चीज, याद है? यस मैम। एक बार मैं वो वाली चीज दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आज उनको समझाना है। मैंने आपको बताया था कि इन्फिनिटी पे ना बड़ा सहूलियत भरा पॉइंट है भाई हमारे लिए इन्फिनिटी। हम मान लेते हैं यहाँ पे कितने भी चार्ज हो, कैसे भी रखे हो, कुछ भी हो, यहाँ पोटेंशियल भी जीरो है और आज जान लो कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। दिस इज अ ब्लंट अजम्पशन दैट वी अज्यूम फॉर आर ईज। हमने अपनी ईज के लिए इसको मान लिया है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है लेट्स से प्लस क्यू, ठीक है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के बैठा है। अब आपको पता है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज बॉडी लेकर आओगे, ध्यान रखना हम क्या लेकर आ रहे हैं, एक चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हैं, किसी पॉइंट ए पर आओगे तो जितना काम करोगे वो उस पॉइंट की क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। उठाकर इसको किसी पॉइंट बी पर रखोगे वो उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। और अगर मैं ए से बी मूव कराऊं तब मुझे लिखना पड़ेगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट ओके? किसी को कोई दिक्कत नहीं आती? सबको क्लियर है? नहीं प्लस क्यू से बी और ए कैसे आया? हमने ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पे रखा। अभी तक हमने क्या रखा था, इन्फिनिटी से लाके ए पे रखा था, इन्फिनिटी से लाके बी पे रखा था, अब मैंने ए से उठा के बी पे रखा। मैम ये वर्क डन का फॉर्मूला भी है। वर्क डन था पर यूनिट चार्ज का ना, मतलब पोटेंशियल जो निकाला था हमने पर यूनिट चार्ज के लिए निकाला था।
हाँ, लेकिन अब यहाँ पे हम पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे, पोटेंशियल की बात हो गई, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये दो टर्म हम पढ़ चुके हैं, है ना, अब तक यही तो पढ़ा था हमने। आज मैं इसको डिस्कस करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने डिस्कशन दोबारा आपके साथ किया है। क्या समझ में आ रहा है ये वाली चीज? मैम मुझे कुछ पूछना है। यस हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे कि हमें अगर कोई फिजिक्स की रेफरेंस बुक प्रेफर करनी है, मैम जैसे अभी हमारी छुट्टी पड़ेंगे मैम, तो उनमें हमें पढ़ने के लिए भी तो कुछ मटेरियल चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी ये सारी बातें करेंगे, पहले टॉपिक पे रहें, ठीक है ना, टॉपिक का क्लू टूट जाएगा। We'll discuss them, all of that thing in the end. Okay, ma'am. Okay. आज I will discuss electrostatic potential energy with you. बेटा electrostatic potential energy को capital U से हम जो है denote करते हैं, ठीक है? Is that okay? Yes, ma'am. आपको एक positive charge की वजह से, एक मतलब let's say some charge की वजह से किसी point P पर कितनी चीजें बताएं आपको, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना, आपको इसकी वजह से पोटेंशियल पता है के क्यू बाय आर, पता है ना ये सारी चीजें? Yes, आप किसी एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, मैंने ये बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज एट एनी पॉइंट, यानी कि U इज जीरो। अब कोई मुझे ये वाली बात एक्सप्लेन करके बताओ कि ऐसा क्यों है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती और एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन है। क्या बेटा? सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन, वो तो ऑब्वियस हो गया ना, जब सिंगल चार्ज के लिए नहीं है और फिर भी पढ़ रहे हैं तो किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज। बट मेरा क्योंकि वो स्टैटिक चार्ज है तो पोटेंशियल रहेगा, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ओके, पार्टिकल पॉइंट के लिए डिफरेंस हो सकता है। ओके अब ना ठीक है, शैली आप कुछ बताना चाह रहे हो बेटा? मैम हम ये बता रहे थे कि मैम हम सिंगल चार्ज के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी बता ही नहीं सकते, हम तो सिस्टम के लिए बताएंगे, तो मैम हमें तो डबल चार्ज के लिए तो बता सकते हैं मैम, अगर दो चार्ज हो किसी सिंगल चार्ज के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, दैट्स गुड, एक मिनट, बट मैंने यहाँ पे जीरो लिख रखा है, तो लाइक जीरो तो एक काइंड की इन्फॉर्मेशन गई आपके पास, ये इंफिनिटी से आ रहा है। ओके इंफिनिटी से आ रहा है, देन मैम इसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आ रहा इसकी है, हां मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है इसलिए जीरो है। हम यहां पे मैम यहां पे वर्क एनर्जी जो थ्योरम होता है वो लग रहा है। ओके ओके ठीक है, अभी एक मिनट रुको, अभी क्या हो गया ये, ठीक है सबका आ गया। अब एक बार मैं बताती हूँ, एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे बिल्कुल खाली खाली दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं है, ऐसे मान लो कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चार्ज लाके रख दिया तो क्या ही फर्क पड़ा इसको, क्या ही अट्रैक्शन, क्या ही रिपल्शन मिल गया, आराम से आ गया मस्त, कोई काम ही नहीं करना पड़ा इसको, ये सुनो। Yes, ma'am. भाई ये जो पोटेंशियल आ रहा था या पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन, दैट आई हैव डन टू ब्रिंग द चार्ज अगेंस्ट ई अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगी, इसीलिए ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है, दैट्स गुड, लेकिन फर्स्ट चार्ज के लिए जीरो है, ये पॉइंट है, ये आपने यहाँ पे आप ऐसे लिख दो पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, और एक पॉइंट ये डाल लो कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर फर्स्ट चार्ज, मैम मुझे भी डिफाइन नहीं कर रहा, एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, ये डाल सकते हैं क्या?
नहीं बेटा नॉट डिफाइंड आता है ना उसके लिए, सेकंड के लिए तो आएगा। हाँ सेकंड के लिए आएगा, ठीक है, इज दैट ओके? यस इस वाली स्लाइड को लिख लो फटाफट से, फिर हम आगे मूव करें। मैम लिख लिया, डन, मैम लिख लिया, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अब देखो भले ही हम एक चार्ज के लिए ना कर सके, पोटेंशियल एनर्जी ना कर सके, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने एक बुक का नाम सुना होगा, एच सी वर्मा, सुना है? यस मैम, इसका टाइटल है समथिंग कंटेंट ऑफ फिजिक्स। आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस बुक, मैं इसकी एक डेफिनेशन यूज करने वाली हूँ, व्हिच इज गिवन इन वॉल्यूम 2 ऑफ फिजिक्स। एक वॉल्यूम 2 में एक डेफिनेशन गिवन है कि आप भले ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते, बट आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। आप बता सकते हो कि लेट्स से इनिशियली दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, ये दोनों r डिस्टेंस दूर है, ठीक। कुछ टाइम बाद कुछ फोर्सेस करके हमने क्या करा कि हम Q1 और Q2 को पास ले आए, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ना? यस मैम। मैं भले ही u इनिशियल u फाइनल ये नहीं निकाल सकती, लेकिन मैं इनका डिफरेंस निकाल सकती, एंड दिस डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करूंगी, इस टॉपिक में आया है, मैं एक बार फिर से बताना। देखो एचसी वर्मा साहब बोलते हैं कि भाई तुम पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन कर सकते, बट तुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो। तो एक काम करो ना, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तुमने ली कि कोई आर डिस्टेंस दूर है, फिर तुमने उनको पास लाया, तो कुछ काम करा होगा ना चार्जेस को पास लाने के लिए, वो काम उसका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। मैं पहले आर डिस्टेंस दूर थी, मैंने चार्जेस पे काम करा और उनको आर प्राइम डिस्टेंस दूर ले आई, कम हो गया ना, आपको दिख रहा है ना कि आर इज ग्रेटर देन आर प्राइम, या डिस्टेंस कम हो गया, तो मैंने कुछ वर्क किया होगा ना, दैट वर्क इज द पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैंने उसका चेंज लिखा है, इज दैट ओके? यस मैम। मैंने आपको जब भी पोटेंशियल पढ़ाया होगा, आई गेस मैंने आपसे बात की होगी इस बारे में कि देयर शुड बी नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज। आई थिंक हमने डिस्कस किया होगा ये, है ना? ठीक है, देखो उसका एक रीजन था, क्योंकि आपने 11th क्लास में 6th चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का बेटा स्टेटमेंट था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना? हाँ ना, इस में अब एक बात बताओ, यहाँ पे ऑल फोर्सेस कितनी फोर्सेस है हम पे? हमारे पास तो दो टाइप की फोर्स है ना, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, ये सुनो, दो ही तो फोर्सेस है। अभी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इट इज कंजर्वेटिव बाय नेचर, राइट? तो एक बात बताओ, आप यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हो क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर इसको कंजर्वेटिव लिख देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये सुनो। यस मैम, यस मैम। अब मैंने आपसे बोला कि चेंज जो है वो जीरो है, तो यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? यस और नो? वी आर यूजिंग दिस थिंग। देखो ये तो हमने यूज करा, ये हम लिख पा रहे हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट करना इजी पड़ता है ना, सब चीज आपकी सहूलियत के लिए है। यहाँ पर देखो फिजिक्स कितनी इजी है, समझ में आया? आ गया? मैम आपने काइनेटिक एनर्जी को डिग्री मान लिया क्या बेटा? अभिषेक एक बार फिर से बोलो। काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान लिया है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको पूरे पोटेंशियल वाले चैप्टर में मैंने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसकी इक्वली आपने एक फोर्स लगाई है, ताकि ये जो चार्ज मूवमेंट कर रहा है ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में करे, बैलेंस्ड सिचुएशन में करे मूव,
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। ठीक क्या बेटा? रिपीट कर दो, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। वी हैव टू काइंड ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स ना, तो हमें बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब आप देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो है तो दोनों चीज एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, लेकिन नेगेटिव में। इक्वेशन वाइज सिंपल देखो, राइट, हमें स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है आगे चले, नोट कर लिया होगा आई गेस। खुशबू कुछ पूछ रहे हो क्या बेटा? एक एक करके पूछो, कोई हैंड रेज करो, आई कॉल आउट योर नेम। हाँ बोलो नफीस। यस मैम, माय नेम इज रेशम मैम। ऊपर वाली दो स्लाइड दिखा, सेकंड वाली। ओके बेटा, दिस वन राइट, और ये वाली। यस मैम। ठीक, जब भी हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? यस मैम। मैम आपने इन प्रॉपर्टीज से पहले कुछ करवाया था? नहीं, प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होता है। बस ये बताता है इक्वल पोटेंशियल सरफेस क्या है, और वो आपको पता ही है इक्वल पोटेंशियल हो जिस सरफेस। नेक्स्ट स्लाइड दिखाना, हो गया इसके नीचे। ओके यस मैम, ये भी हो गया। मैम वैसे एक बात बताए, मैम पता नहीं, मैम पहले फिजिक्स को मैम काफी टफ समझते थे, पर मैम थोड़े थोड़े इजी लग रही है मैम। पर अब मैम अब थोड़ी थोड़ी इजी लग रही है मैम, समझ में आने लगी। चलो सही है, ये आप मेहनत कर रहे हो उसी की वजह से हो पा रहा है, तो ऐसे ही मेहनत करते रहो, नोट्स वगैरह रिवाइज करते रहो, चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि वेरी ऑनेस्ट, अच्छा थैंक यू, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका ना कोई और तरीका है भी नहीं। अगर आप मेहनत करते रहोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी, शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। ठीक है, करते रहो, चीजें आती रही। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस की। अब एक बात बताओ, इतनी मुझे समझ में आ गई कि भाई एक चार्ज का मैं डिफाइन कर नहीं पाऊंगी, टू चार्जेस का ले लेते हैं। जिस तरह से हमने पोटेंशियल में खेल खेला था कि इन्फिनिटी लेके भाग गए थे, वैसे यहां करेंगे। अब यहां मान लेंगे हम कि इन्फिनिटी पे Q1 चार्ज पड़ा है, Q2 चार्ज पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि U इन्फिनिटी जीरो, राइट। अब उसको सबसे पहले मैं Q1 लेकर आई, अगर मैं Q1 लेकर आऊंगी खाली स्पेस में तो कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने क्या करा, Q1 से r डिस्टेंस दूर Q2 लाने का सोचा कि मैं Q2 को यहां तक लाऊंगी। अब मुझे यहां काम करना पड़ेगा ना? यस मैम। यस मैम। चलो अब इसको स्टडी करते हैं कि यहां काम कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। यानी कि मतलब आप ये समझ गए ना कि दिस इज योर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। यस मैम। यस मैम। तरीका कहता है फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। मैम आपकी स्क्रीन स्टक है। आ गया? यस मैम। इसको आप लिख सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, राइट। इतनी चीज सॉर्टेड है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। अब आप कहोगे कि मैम काम तो हमने ऐसे करा था कि वर्क डन Q1 को लाने के लिए और वर्क डन Q2 को लाने के लिए। अब आपको ये बात भी पता है कि Q1 को लाने के लिए आपने कोई वर्क डन नहीं करा है क्योंकि वो स्पेस में कुछ था ही नहीं, तो बेसिकली UF माइनस UI इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय दिस थिंग। मैम फिर से स्क्रीन पर आ रही है। बताओ ये जो लिखा हुआ है इतना समझ में आता है ना अपने को? मैम ये जो पर्पल से आपने लिखा है एक बार दोबारा बोल दीजिए। पर आप क्योंकि फिजिक्स पढ़े हुए तो आपको पता है कि Q1 को लाने में कुछ काम नहीं हुआ,
वो तो मस्त आराम से घूमता घामता आ गया, कोई दिक्कत नहीं उसको, तो क्यू वन अपने जीरो रख दिया। ठीक ठीक है बेटा, मैम एक बार इससे नीचे यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। मैम यहाँ पे दो चार्जेस है जिसमें वन का जीरो है, बट अगर यहाँ पे ज्यादा चार्जेस होते टू और थ्री तो जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आता है वो Q2, Q3, Q4 प्लस भी तो हो जाता ना फिर, क्योंकि वन की वजह से जीरो होगा बट उनकी वजह से तो होगा ना। उसके लिए ना हम एक क्वेश्चन करेंगे, बस थोड़ा सा वेट करो, तुमको चीज समझ में आएगी। देखो वर्क डन इसका मतलब था वर्क डन, वर्क की स्पेलिंग कितनी प्यारी लिखी है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2। ठीक है समझ में आया? Yes, ma'am. अब एक बात समझो, मैं बेसिकली कोशिश कर रही हूँ कैसी मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए वर्क डन निकालने की। मैम एक मिनट ऊपर स्लाइड करना, एक सेकंड बस। ओके मैम, मतलब इसमें जो ये टोटली चार्ज जमा मतलब हमारा Q2 का है क्योंकि Q1 हमारा जीरो हो गया। वर्क डन फॉर Q1, चार्ज नहीं, वर्क डन। Q1 को लाने में कोई काम थोड़ी करना पड़ा ना, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, किसी तरीके का पोटेंशियल एनर्जी नहीं ना, इसलिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज पता है, अगर यहाँ पे मैं चार्ज रखूं Q2 तो उसको प्लस Q1 रिपेल कर रहा होगा, यानी कि ये हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन आप उसको फिर भी लेकर आ रहे हो तो ये हो गई एक्सटर्नल फोर्स, और ये इक्वल होंगे लगभग लगभग, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर। अगर कोई ठीक है, ये रेड रेड वाला दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, आप चार्ज को कोई एक्स डिस्टेंस दूर Q1 चार्ज पर लाए तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी ना रिपल्शन की, एक एक्सटर्नल फोर्स आप लगाओगे ना काम करने के लिए कि फोर पांच लाओ, तो दो फोर्सेस लग रही हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगी लगभग लगभग। एक्सटर्नल फोर्स आप इस तरह से लिख सकते हो ना KQ1 by K1, KQ1 Q2 upon X square, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आई? डॉट कनेक्ट हो गई सारी। अब एक बात बताओ, ये जो एक्स है ये वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल है मतलब फोर्स वेरिएबल है, आपको वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना आता है? इंटीग्रेशन। वेरी गुड, इंटीग्रेट करेंगे फोर्स को। वेरी गुड, इस तरह से। हाँ पर एक बात बताओ, मैं इतना करूँ क्यों? मैंने पोटेंशियल किस दिन के लिए पढ़ा है? इस दिन के लिए पढ़ा है कि मुझे इंटीग्रेशन से बचना मिल जाए। तो मैं क्या करूंगी, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती? एक बात सोचो, लेट्स से ये रहा हमारा प्लस Q1 चार्ज, ठीक है, हम Q2 चार्ज यहां लाकर रखा हमने इन्फिनिटी से, राइट, लेट्स से दिस इज सम पॉइंट P, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना Vp minus V infinity is equals to work done by external agent in bringing the charge from infinity to P upon, कौन सा चार्ज लेकर आया यहाँ पे, क्या रखूं मैं? वेरी गुड, जो चार्ज आप मूव कराते हो उसको आप अपॉन में रखते हो, ठीक है। अब बेटा V infinity जीरो होता है ना, जीरो, तो यहां से आपको मिला work done by external factors is equals to Q2 times of Vp, right? Yes or no? मैम ये Vp इसके अपॉन में क्यों नहीं गया? क्या बेटा? Vp इसके अपॉन में क्यों नहीं गया? Work by external निकाल रहे हो ना, तो Q2 into Vp होगा ना? Multiply में जाएगा ना अगर external निकालेंगे तो। Okay. अच्छा अब एक बात बताओ, Vp लिख के दिखाओ, Vp कितना होगा? A जिस वजह से वजह से है, एग्जैक्टली फील्ड क्यू वन की वजह से है, मूव क्यू टू कर रहा है ना, तो जो मूव कर रहा है वो आएगा वर्क डन एक्सटर्नल बाय उसके मतलब वर्क एक्सटर्नल के अकाउंट में, क्योंकि वहां पर यूनिट चार्ज लेते हैं जिसको आप मूव करा रहे हो। ध्यान रखना मैंने यूनिट कूलम बताया था, फिर आप चार्ज बॉडी लेकर आ रहे हो, है ना, Q2 को मूव करने में वर्क हो रहा है बस। अब आप देखो आपके पास फॉर्मूला आ गया, जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट है यही तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज था, यही तो पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। यू एफ माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू क्यू टू टाइम्स ऑफ के क्यू वन बाय आर,
बेटा जरा आप एक बार बताओ, फाइनल पोजीशन तो आपके पास है ही, इनिशियल पोजीशन क्या थी? इन्फिनिटी थी ना? यस मैम। तो k q1 q2 by r, यानी कि ये देखो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गई जीरो, बिल्कुल k q1 q2 by r, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके देखो, इन्फिनिटी से हम Q2 को लेकर आए थे, Q1 को लाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, Q2 को लाने का सीन था। तो Q2 के लिए मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करते हैं पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो Vp माइनस V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, ये चीज लिख सकते हो ना, ये वाली चीज तो बेसिक है, ये वाली तो पता होगी। यस मैम, है ना, इतनी चीज सॉर्टेड है। ठीक है, आपने मुझे बताया क्या बेटा? कुछ बोल रहा है कोई? देखो ये बोला था ना कि ये जो Q2 चार्ज है, आप वो वाला चार्ज लोगे जिसको आप मूव करा रहे हो, है ना, तो हम इसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पोटेंशियल किस वजह से आएगा, जो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसके फील्ड के अगेंस्ट आप काम करते हो। तो इसलिए यहाँ पे के क्यू वन बाई आर आया। वी इन्फिनिटी जीरो, बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, निकाल दो क्यू टू इंटू वीपी। अब बस हमको वीपी फाइंड आउट करना था, वीपी का वैल्यू रख दिया, ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। देखो yes, है ना, चेंज था ना uf माइनस uy। अब एक बात बताओ, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? इन्फिनिटी। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो ऑब्वियसली आपने u इन्फिनिटी को हटा दिया ना, u इन्फिनिटी जीरो होता है। बोलो, समझ में आया? यस मैम। ध्यान रखना यहाँ पे ये जो चार्जेस हैं, ये जो फॉर्मूला है, इसमें क्यू वन क्यू टू का वैल्यू आप हमेशा चार्ज के साथ पुट करोगे, हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा। अब एक बात समझ लो, कहां काम विद साइन ही चलेगा और कहां काम विदाउट साइन चलेगा, क्योंकि इसमें दोनों चार्ज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे, ओके जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, जब भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स निकालोगे, बेटा इन दोनों की कैलकुलेशन में आप अगर विदाउट साइन भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइन की हेल्प से सिर्फ आपको डायरेक्शन मिलेगी, तो वो आप ऐड कर लो, उन्हें कोई इशू नहीं है, वो आप एक बार डायग्राम बना लो उसके बाद हटा दो। लेकिन जब भी आप पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी वाली चीजें कैलकुलेट करोगे, हमेशा आप साइन का यूज करोगे। समझ में आया? ठीक है, तो क्वेश्चन करें। आपसे पूछा है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दो। देखो अभी टाइम हो रहा है 2014, ठीक है, आप इसको 2017 तक निकाल दो, 3 मिनट में। क्या निकालना है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है इस सिस्टम की। यहाँ पे देखो, पहले आप इस पॉइंट पर आए क्यू चार्ज लेकर, फिर आपने क्यू सेकेंड पॉइंट पर चार्ज रखा, थर्ड पॉइंट पे चार्ज रखा। मैम एक क्वेश्चन आप करा दो, उसके बाद करा देना आप, मतलब पहले yes, आप मैम एक बार ट्राई करते हैं। ओके क्या बेटा अभिषेक? मैम चार्ज का सेम मैग्नीट्यूड है ना? हाँ, प्लस क्यों है ना, अगर कुछ नहीं लिखा तो प्लस है। एक बात देखो, यहाँ पे जो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो होगा पहले खाली पॉइंट चार्ज है, फिर जब आप वन ऑलरेडी रख चुके हो तो टू उस पर इंटरेक्शन करेगा ना, तो वन टू का इंटरेक्शन आ गया। अब जब आप थर्ड चार्ज लाओगे तो थर्ड चार्ज फर्स्ट के साथ इंटरेक्शन करेगा और सेकंड के चार्ज साथ इंटरेक्शन करेगा। ये सुन लो। यस मैम। अब आपको पता है ये चीज, और बता दो ये चीज। हाँ इमेजिन करो, ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कहीं पे जगह है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि ये वाला खाली एरिया, ठीक है, खाली एरिया उसको इमेजिन करो। एक बात बताओ, आपने Q1 ला के रखा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि कुछ भी नहीं था इंटरेक्शन करने के लिए, जीरो। जब आप Q2 लेकर आओगे तो Q1 उस पर फोर्स लगाएगा ना, इंटरेक्शन करेगा ना बेसिकली उसके साथ। यस मैम। यानी कि वन टू इंटरेक्शन आया, वन का टू के साथ। ठीक है,
अब आप सोचो थर्ड चार्ज लाके रख रहे हो, तो थर्ड चार्ज वन के साथ भी इंटरेक्शन करेगा और टू के साथ भी इंटरेक्शन करेगा, है ना। तो देखो ये तो लिखा मैंने, यस मैम आ गया आ गया। अब ये जो वन खाली ये वाला, ये तो आपको पता है जीरो होता है, कुछ काम ही नहीं करना पड़ा हमें इसे लाने में। ये सुनो, यस मैम, यस मैम। अब यू ऑफ वन टू निकालो, वन टू, तो फॉर्मूला कहता है के क्यू वन क्यू टू, दोनों तरफ क्यू है तो यानी कि के क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस कितना है ए, राइट मैम। ओके अब आप वन थ्री देखो, वन और वही होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए। क्या बेटा शैली मैम, थ्री के क्यू स्क्वायर बाय ए आएगा ना आंसर? हाँ हाँ बेटा ठीक है, आई गेस सब समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन करोगे? यस मैम, दैट्स इजी। अभी वाला करो, यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि ये है आपकी ए कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपने वर्क करके इस बी कॉन्फ़िगरेशन में टर्न किया। अब बताओ इस चेंजिंग में आपको कितना काम करना पड़ा, यानी कि व्हाट्स योर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। समझ में आ गया? पहले चार्ज दूर दूर थे, आपको पास हो गया है। हाँ मैं बता रही हूँ, देखो पहले चार्ज दूर दूर थे, टू ए डिस्टेंस दूर, आप उनको पास लाए, आपने काम किया तो वो ए ए डिस्टेंस दूर हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ क्या इनके अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। हो गया बेटा, चेंज कर दूं उसे? तुम क्वेश्चन दिखाओ। यस मैम। अ सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करके बताओ। यस मैम। मैम इसका होगा 3/2 के क्यू स्क्वायर बाय ए। वेरी गुड सान्या, वेरी गुड विदिका, शिवानी बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया है। तुम एक बार में समझ जाते हो चीजों को। एक बात बताओ, मुझसे ये चेंज पूछ रहे थे, यानी कि यू बी माइनस यू ए पूछ रहे हैं। एकता भावना, वेरी गुड, ठीक है। ये तो है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल के लिए जब चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो जो भी पहले किया था वैसे तो आ जाएगा माइनस। हाँ ये हो जाएगा टू ए, मैं वो उसके टू है ना डिवाइड में चला जाएगा, बाकी मैम ही सेम आएगा। हाँ वो हो गया ना वन माइनस वन, वन माइनस वन बाई टू। हाँ मैंने लिखा नहीं ज्यादा स्क्वायर, मैंने एडजस्ट अभी लिखा एकदम से आ गया। वन माइनस वन बाई टू, आपके पास हाफ आएगा ना, तो बस हाफ थ्री के क्यू स्क्वायर बाय ए। ऑप्शन बी इज योर आंसर। सिंपल था? यस मैम। अब देखो मैं एक चीज तुम्हें बताती हूँ, इसमें से मैथ्स की, मैथ्स कितना बच्चे पढ़ते हैं? ओके हम तो बायो वाले हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है, मैं भी एक चीज बताती हूँ। क्यों लग रही है बेटा? अभी ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस अभी मतलब लाइक स्टार्टिंग में, फिर अलग अलग हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखो एक बात समझो, लेट्स से वी हैव फोर चार्जेस। अभी हमने ट्राइंगल देखा था, सोचो अगर मैं बोलूं कि भाई हमारे पास फोर चार्जेस हैं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री एंड देन वी हैव क्यू फोर, राइट? वी हैव फोर चार्जेस। क्यू वन को लाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है उसे लाना तो। पर जब आप वन को ला चुके हो और टू को ला रहे हो, तो आपको एक इंटरेक्शन मिलेगा, है ना? हाँ या ना, बोलते चलने साथ में। yes, ma'am. फिर जब आप थर्ड चार्ज को लाओगे, तो थर्ड चार्ज फर्स्ट के साथ भी इंटरेक्शन करेगा और थर्ड चार्ज सेकेंड के साथ भी करेगा और टू के साथ भी। जब आप फोर्थ चार्ज लाओगे, तो वो फर्स्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, सेकंड के साथ इंटरेक्ट करेगा और थर्ड के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। yes, तो आप देख रहे हो, देयर आर सिक्स नंबर ऑफ इंटरेक्शंस। अब कई बार क्या होता है, जब ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस दे देते हैं, तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमने कितनी टर्म इंक्लूड कर दी है, कितनी टर्म नहीं हुई है। कई बार वो ऐसी
डायरेक्ट नीट के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ पांच चार्जेस में कितनी नंबर ऑफ इंटरेक्शन होंगी. नहीं ऐसी सिचुएशन में ना आपको क्या पढ़ना है, आपको एक चीज देखो मैं एक चीज बताती हूँ, ये यूजली पढ़ाई जाती है मैथ्स में, इसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ उतना बताऊंगी जितना हमारे काम का है. एक बात बताओ, जितने भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं, दैट इज एन. ठीक है, फिर आप बड़ा से सी लिखो यहाँ पर, और जितने आपको इंटरेक्शन करने, जैसे कि मुझे सिर्फ दो इंटरेक्शन लेने हैं ना, दो इंटरेक्शन, दो चार्जेस का इंटरेक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, आर का वैल्यू हो जाएगा टू, यानी कि फोर सी टू. ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा जाता है, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल. अब क्वेश्चन आते हैं कि भाई फैक्टोरियल चीज क्या है, बड़ी सिंपल चीज है. देखो पहली बात तो इसे बोलते हैं फैक्टोरियल. देखो अगर मैथ्स वालों को आता है तो प्लीज थोड़ी देर शांत रहो, एक बार बायो वालों को समझने दो. ठीक है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल. अब एन फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा, ऐसे समझो जैसे मैं अगर n की जगह 4 का फैक्टोरियल लिखूं तो उसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. एक एक माइनस करते जाओ जब तक 1 ना आ जाए, 1 के बाद 0 मत लिख देना, वो तो सारी टर्म 0 हो जाएगी. 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इज दैट ओके? मैंने कभी 24 आया क्या? अभी देखते हैं, रुक जाओ. 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. खुशबू कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बोल दो. आर का वैल्यू 2 कैसे आया? राइट, मैम जितने के साथ इंटरेक्शन करेंगे वही. हाँ हाँ, जहां से स्टार्ट कर रहे हो ना वहां से लेके जाओ और 1 तक लेकर जाओ. जैसे कि अगर मैं 3 का फैक्टोरियल लिखना चाहूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 का लिखना चाहूँ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. समझ में आ गया वाली चीज? और मैम अगर लिखना चाहे तो मैम 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके मैम, ठीक है. अब देखो n की जगह 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r की वैल्यू यानी कि 4 माइनस 2, 2 का फैक्टोरियल, राइट? आप इसे खोलो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, राइट? ऐसे ही होगा बेटा, राइट? अब देखो एक मिनट रुको, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, 2 से एक 4 कैंसिल, देखो 6 आ गया ना. आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन आएंगे. ओके, यस मैम. ओके, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो. खुशबू आप कुछ पूछ रहे हो? एक मिनट पहले खुशबू 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 की बात करते हैं, एक सेकंड. खुशबू आपको कुछ पूछना है बेटा? मैम मेरे को ये वाला ना समझ नहीं आ रहा जो आपने समझाया, कुछ नहीं. एक मिनट, हाँ खुशबू आप भी यही बोल रहे हो कि एक बार दोबारा बता दूं? यस मैम. ओके, जस्ट लिसन टू मी. देखो मैं आपसे ये कह रही थी कि कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कई बार वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे बस ये बता दो सिस्टम में कितने नंबर ऑफ इंटरेक्शन होंगे. ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आप मैथ्स में पढ़ते हो, आपके पास मैथ्स नहीं है तो हमें दिक्कत होगी, वो फॉर्मूला है ये. ठीक है, मैंने आपको फैक्टोरियल का मतलब बताया कि जैसे अगर 4 का फैक्टोरियल है तो उसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर 5 का फैक्टोरियल तो उसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. जो भी नंबर दिया है, जिसका भी फैक्टोरियल दिया है, वहां से शुरू होना है और 1 तक जाना है. ठीक है, मल्टीप्लाई करते हुए, इज दैट ओके? यस मैम. अब मैंने यहाँ पे कहा था कि आपके पास जितने टोटल नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो हो जाएंगे आपके एन, जितना आपको इंटरेक्शन लेना है. अभी बात बताओ, मैं इंटरेक्शन दो चार्जेस के बीच का ले रही हूँ ना, तो सिर्फ मेरे पास यहाँ पे इसलिए मुझे वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी. अब आप यहाँ पे बस ये फॉर्मूला रख दो,
मैम ये 4 किस लिए आया बेटा? 4 टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है। ओके मैम, ठीक है बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। मैम जो 2 है वो इंटरेक्शन है दो चार्जेस के बीच का, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा? हाँ यहाँ पे तो देखो सेम ही है ना, क्योंकि हम दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन देखते चलते हैं, इसीलिए बस टोटल नंबर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ, और ये ना ये एक बेसिक फॉर्मूला है, कभी भी आपको बिठाना हो ना कि बहुत सारे सिस्टम है सब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे निकालो, तो ये तरीका होता है निकालने का। ठीक है, बस एक छोटी सी बात थी। अब हम एक क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, मुझे मुझे भेज देना वरना ग्रुप पे भेज देना। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक चार्ज रखा है एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर -1 μ/κ, एक रखा है एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर 1 μ/κ, और एक है इंफिनिटी पर Q3 प्लस 1 μ/κ। दिस इज द इनिशियल कॉन्फिगरेशन। हमने क्या करा, अलग से ग्रुप है क्या बेटा? मैम फिजिक्स का अलग से ग्रुप है। हाँ, अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए? देखो साक्षी ने ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज में लिंक भेजा हुआ है, वो ज्वाइन कर लो। मैम मैम मैं भी ज्वाइन नहीं हूं, मैम मेरे पास भी नहीं है। मैम दोबारा दो लिंक, अभी एक मिनट मैं भेजती हूं, जाओ चैट बॉक्स में होगा। तो देखो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, लिंक आ जाएगा। साक्षी ने दोबारा भेज दिया, छाया ने भी भेज दिया, दैट्स वेरी गुड। देखो फटाफट से क्वेश्चन सुनो, तुम्हारे होमवर्क है, तुम्हें करना है एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ओके बेटा थैंक यू। एक्स इज इक्वल टू 0 पे -1 μ/κ रखा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे 1 μ/κ रखा है, एक चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है Q3 प्लस 1 μ/κ। हमको क्या करना है, इन्फिनिटी वाले चार्ज को एक्स इज इक्वल टू 2 पे लाके रखना है, और हमें निकालना है कि ऐसा करने में हमने कितना काम किया। क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आपका होमवर्क है, सॉल्व करके प्लीज मुझे भेजना। मैम ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके मैम, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन, अभी मैं दिखाती हूँ, मिनट चलो मैं जस्ट तुम्हारे लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगी स्लाइड। एक ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है Q1 Q2 Q3, ठीक है, ऐसे चार्जेस रखे Q1 Q2 6 मीटर दूर है, उनके सेंटर से 4 मीटर ऊपर एक -4 μ/κ चार्ज रखा है जिसका मास 1 ग्राम। हमने क्या करा, Q3 को ड्रॉप कराया। अब Q3 ड्रॉप करता हुआ नीचे आया O पॉइंट पर, हमें बताना है कि उस टाइम उसकी अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी कितनी होगी। चार हमारे पास ऑप्शन है, 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, एक बार इस वाले क्वेश्चन को करके देखो। टाइम हो रहा है फिलहाल 20:29, आई विल गिव यू कितने मिनट्स, 5 ले लो। क्या बेटा फिर से बोलो एक बार। 8 मीटर पर सेकेंड बोल रहे हो आप, है ना? चलो ठीक है, एक आंसर आ गया, बाकी बच्चे ट्राई करो। मैम ऑप्शन किसी, ओके किसका आंसर आ रहा है? शैली का आया, शिवानी का आया, आपका नाम क्या है बेटा? उदिता, क्या सुनैना? ओके काफी सारे बच्चों का ऑप्शन सी आ रहा है, दैट्स वेरी गुड। ओके विधिकास, विभा, 6 मीटर पर सेकेंड, जया, ओके जया 6 मीटर पर सेकेंड, 8 आ रहा है शबनम का, नम 6 आ रहा है। ओके अब आप में से कोई एक जरा माइक ऑन करके मुझे बताओ कि कैसे आ रहा है 6। ओके रेशम बताओ, ऐसे अभी एक ही मिनट हुआ है सिर्फ। हाँ भाई मैं भी पूछ रही, तुम लोग बाकी सॉल्व करो, सॉल्यूशन मत पूछो, एक मिनट करने दो फिर आप पूछ लेना।
अच्छा मैंने इसका रिजल्ट 10 निकाला था। रिजल्ट 10 लाइक चलो अब डिस्कस कर लेते हैं अलीशा, ठीक है? यस मैम। एक बार ट्राई कर लो, बाकी बताओ एक एक करके बताओ। सानिया आप बताओ पहले। चलो नहीं बता रहे हो, ठीक है। शबनम आप बताओ बेटा। ओके शिवानी बताओ। मैम मैं बता दूं? हाँ बेटा बोलो। मैम पहले जो यू की वैल्यू यू प्लस के क्या थी, यू की वैल्यू के आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है, बट आई काइंड ऑफ गेट इट, पर समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। दैट्स गुड, सही है वो। ऋषभ आप बताओ बेटा। आप लोगों ने पहले कर रखा होगा, मतलब एकदम से करते तो इतना लंबा, थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन है इसमें। मैम इसमें ना हमने वो वाला लगा, ये सामने हमने पहले ही कर रखा था, इसकी वैल्यू। चलो मैम एक फॉर्मूला था ना यू वन प्लस ए वन वाला, वो वाला लगा। कौन सा वाला बेटा? मैम यू वन प्लस ए वन सोलेनोइड वाला लगाया था मैंने। ओके चलो ठीक है। अब जिसने पहले कर रखा था अब वो बच्चे शांत रहेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब जिन बच्चों ने अभी अभी फर्स्ट टाइम देखा है, एक बार हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। आपने इनिशियल कॉन्फिगरेशन देख ली ना, एक बात बताओ, जब यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, यहाँ पर कोई सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हमारे को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेना चाहिए ना। यानी कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मस्ट लगा सकते हैं इसमें। ये सुनो। यस मैम। यस मैम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है यहाँ पे क्योंकि हाइट है तो पोटेंशियल है, मोशन है तो काइनेटिक है, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, फाइनल माइनस काइनेटिक, इस तरह से सॉरी फाइनल प्लस काइनेटिक और फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं ना। एक बात बताओ, इनिशियली हमारे पास ये वाली कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। क्यू वन और क्यू टू एक दूसरे से 6 मीटर दूर है ना, तो अगर मैं इनका इंटरेक्शन लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकती हूँ ना, के Q1, Q2 divided by 6 plus फिर Q1 और Q3 के बीच होगा जो भी इनके बीच डिस्टेंस है, अभी मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ऐसी Q1 और Q2 के सॉरी Q2 और Q3 के बीच में। अब आप एक बात देखो, दिस इज 3, दिस इज 4, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी विल गेट इट एज 5। यस मैम। सिमिलरली दिस इज 5। यस मैम। तो यानी कि यहां पर हमारे पास आ गया बाय फाइव बाय फाइव। इनिशियली चार्ज रेस्ट में था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, ये तो हो गया इनिशियल वाला। अब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी देखो, एक बात बताओ फाइनल के लिए क्या हुआ कि Q1 उसी लाइन में, Q3 और उसी लाइन में Q2 आ गया, राइट?
ये भी 3 मीटर दूर, ये भी 3 मीटर दूर, और इसका चार्ज -4 μ, ये +2 μ, ये सुनो। ठीक है, एक बार जरा हम फाइनल वाली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो Q1 और Q2 के बीच तो वही इंटरेक्शन है ना। अब Q1 और Q3 के बीच में आ गया है, डिस्टेंस कम हो गए 3। सिमिलरली Q2 और Q3 के बीच भी डिस्टेंस हो गया है 3, और साथ में इस बारी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है। इज दैट ओके मैम? बट इसमें 6 कहां से आया? 5 मीटर की नहीं, 6 इनके बीच है ना, ये टोटल 6 होगा ना, Q1 और Q2। बोलो। यस मैम। ओके, अब ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन दोनों सेम है, कट गई राइट? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा इन चीजों को हम आसपास लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार बताओ के सब में कांस्टेंट कॉमन है, बाहर ले लो। अगर मैं इस टर्म को देखो ऐसे लिख दूं, Q1 Q3 बाय 5 प्लस Q2, एक मिनट देखो, Q3 बाय 5 माइनस Q1 Q3 बाय 3 माइनस Q2 Q3 बाय 3 इज इक्वल्स टू ½mv² ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इन सब में, एक मिनट, k कॉमन है ना, हटा देते हैं। एक बात बताओ, ये सारे चार्जेस म्यू कूलम्ब में है, आपको पता है म्यू के लिए 10^-6 आता है। आप दोनों का प्रोडक्ट करा रहे हो तो हर जगह 10^-12 आएगा ना। यस मैम। 5 और 3 है, इसका एलसीएम ले लेती हूँ 15। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 times of Q1 Q3 प्लस 3 times of Q2 by Q2 Q3 माइनस, ओके इज दैट ओके नाउ, है ना? यस मैम। 5 times of Q1 Q3 माइनस 5 times of Q2 Q3 दिस इज इक्वल्स टू हाफ। अब आपको मास दे रखा था थर्ड चार्ज का 1 ग्राम, बेटा इसको किलोग्राम में करोगे तो 10^-3 आ जाएगा, है ना? वी का स्क्वायर हमको चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं कुछ सॉल्व कर पाए तो। के का वैल्यू होता है 9 × 10^9। अब यहाँ पे आएगा 10^9, इधर है 10^-12, 9 और -12 मिलकर 10^-3 दे देंगे। यस मैम। ठीक है, अब Q1 का वैल्यू था +2, Q3 का वैल्यू था -4। सिमिलरली Q2 का वैल्यू था +2, Q3 का वैल्यू था -4। इधर Q1 का वैल्यू +2, Q3 का वैल्यू -4। सिमिलरली आपको यहाँ पे स्टेटमेंट मिल जाएगा ये ऐसा, राइट? 10^-3/2 इनटू v का स्क्वायर। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, 10^-3 से 10^-3 कैंसिल ना। यस मैम। मुझे v स्क्वायर चाहिए तो मैं 2 को इधर भेज दूं 9 के पास। यस मैम। 18/15। ठीक है, अब अंदर सॉल्व करते हैं। 2 4s are 8, 8 3s are 24, यानी कि -24 -24 माइनस 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 प्लस हो गया। 4 2s are 8, 8 5s are 40 +40 राइट? बोलो। यस मैम। ठीक है, 9 × 2/50। एक बात बताओ, -24 -24 ऐड करोगे -48 आएगा, -48 +40 माइनस का 8 बचेगा, 40 - 8 32 बच जाएगा। 32। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3^2 2^6/50। सही बात है। अब आप V का स्क्वायर है तो उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 3 × 2^3/√15। बेटा 3 × 8 हो जाएगा 24। एक बात मुझे बताओ, रूट 15 लगभग लगभग 16 के बराबर होगी ना, √16 विच इज 4, यानी कि लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 मीटर पर सेकेंड के बराबर, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी।
कूल यस मैम ठीक है तो अब हम जो कल इसको आज का लेक्चर यही रखते हैं कल के लेक्चर में ओके शबनम आई गेस आपने ज्वाइन कर लिया यस अब ज्वाइन हो मैम मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है मैम मेरी अटेंडेंस लगा दो ओके बेटा तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की कुछ एक तो डाइपोल के से मतलब डाइपोल के बारे में बात करेंगे और एक दो चीज और देखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली कल हम कैपेसिटर भी शुरू कर देंगे ठीक सो दिस इज इट आप बोलो शैली बता दो मैम हम पूछ रहे थे कि मैम छुट्टी में पढ़ने के लिए हम कौन सी यूज करें ओके तो आपके पास अगर लाइब्रेरी का एक्सेस है ना तो आप एक काम करो लाइक वैसे तो कोई भी हेल्पिंग बुक चलेगी आप ऐसे अरोड़ा मंगा लो या फिर ऐसी कोई बुक मंगाओ जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो क्योंकि मैंने जो ऐसे अरोड़ा का एडिशन पढ़ा है उसमें क्वेश्चंस बहुत होते थे नीट के भी आईआईटी के भी एआईपीएमटी एआईईई देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस ठीक है मैम ऐसे अरोड़ा हमने पिछले ईयर भी मंगाई थी मैम उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन थे हाँ तो आप मतलब खुद पे जब एक बार चेक कर लो तब मंगा लेना ठीक है मैम आप अटेंडेंस लोगे या फिर लेफ्ट कर दे नहीं नहीं बेटा अभी अटेंडेंस दे रही हूं मैं ठीक है वही स्टार्ट करते हैं एक बार आई जस्ट शट द रिकॉर्डिंग में आज वाले तक आएगा क्या मैम राजीव बंसल की कैसी है बुक